जय जिनेंद्र दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। अब तक आप इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला की 7 कड़ियों में सीकर के धोदग्राम में आयोजित श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान के 17 से 23 मार्च 2024 तक के विशेष दृश्यों को क्रमबद्ध रूप से देख चुके हैं। आज 8वीं कड़ी में प्रस्तुत है 24 मार्च 2024 के दिन के कार्यक्रम के विशेष अंश। इस दिन के कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए भक्तों ने सबसे पहले भगवान की पावन शांति धारा संपन्न की। चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लुगुत्मा अरहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवली प्रणत्तो धम्मो लुगुत्मो चत्तारी शरणम भवज्जामि अरहंते शरणम भवज्जामि सिद्धे शरणम भवज्जामि साहु शरणम भवज्जामि केवली प्रणत्तम धम्मम शरणम भवज्जामि। ओम रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। तत्पश्चात इस दिन के कार्यक्रम में पधारे श्रेष्ठी मान्यवरों का सम्मान किया गया। तत्पश्चात इस दिन के विधान का शुभारंभ किया गया। प्रतिदिन की तरह इस दिन भी विधान किए जाने के पारंपरिक मांगलिक दृश्यों का सृजन हुआ। भक्तों ने विधानाचार्य जी के निर्देशानुसार ही विधान की सारी क्रियाएं की। विधान क्रियाओं के क्रम में इस दिन एक एक करके इस भव्य आयोजन के सभी पुण्यार्जनकर्ता परिवारों द्वारा मांडले पर मंगल अर्घ्य समर्पित किए गए। धन्य है वे सभी पुण्यार्जनकर्ता परिवार जिन्होंने ऐसे पुण्यकारी महामहोत्सव में भाग लेकर अपने भव भव के कर्मों की निर्जरा की और अपने आगामी भवों को सुधार लिया। 1024 गुण संयुक्त श्री सिद्ध परमेश ने सुधारो विनाश नये नई वेद्यम निर्वपावते नमो सिद्धाणम। 1024 गुण संयुक्ता श्री सिद्ध परमेश ने महामोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामते ओम रीम आरम दर्शन विशुद्धि गुरु दयाय नमारी केंद्र पामते शायक संकेत को धरे सो धर्माधिक इंद्र तुम पूजित प्रभावते अंतिम हो जिने ओम रीम आरम सुरार्चदाय नमारी केंद्र पामते। दिन के समय विधान की क्रियाएं करने के पश्चात संध्या काल की मनोरम बेला में सभी भक्त सज धज कर बैंड बाजों के साथ एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करते हैं। इस शोभा यात्रा में पुण्यार्जक परिवारों सहित अन्य अनेक भक्त भाग लेते हैं। जगह जगह से निकलते हुए भक्तों के दल शोभा यात्रा में सुंदर प्रभु भक्ति करते हैं। इस दौरान सभी भक्त बेहद हर्षित और आनंद मग्न नजर आ रहे थे। इस शोभायात्रा के माध्यम से पुण्यार्जक परिवार रथ और बग्गियों में सवार होकर जैन धर्म की भव्य प्रभावना करते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंचते हैं। कार्यक्रम स्थल पर सबसे पहले इस दिन के पुण्यार्जनकर्ता परिवार का मंच पर भव्य स्वागत व सम्मान किया जाता है। इतने में ही पुण्यार्जक परिवार द्वारा भगवान की भव्य महाआरती का शुभारंभ किया जाता है। इस दौरान पुण्यार्जक परिवार सहित अन्य सभी भक्तगण हाथों में मंगल आरती की थाल लिए प्रभु भक्ति में मग्न हो भगवान की महाआरती करने लगे। मंगल आरती के पावन छंदों पर
लय और ताल मिलाकर भक्त भगवान की भक्ति में खूब झूमे और नाचे। झूमो योग आया विशद संयोग आया वो योग आया। अब क्योंकि ये इस भव्य आयोजन के समापन की पूर्व संध्या थी, अतः इस मनोरम संध्या में धोध समाज द्वारा जैन समाज के बुजुर्गों, प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों और होनहार युवाओं के सम्मान हेतु एक सुंदर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत दो बालिकाओं के सुंदर मंगलाचरण नृत्य से हुई। मंगलाचरण नृत्य प्रस्तुति के पश्चात मंच से एक भावपूर्ण लघु नाटिका का मंचन किया गया। उसमें सबसे बेस्ट अगर कुछ प्रोग्राम होने वाला है तो ये आज का प्रोग्राम कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान और छोटों को प्यार, ये जो एक सम्मान प्रोग्राम सम्मान समारोह जो आज रखा है हमारे कमेटी के मेंबर्स ने, इसकी मैं तहे दिल से सराहना करती हूँ। क्या महाराज जी, धर्म की क्या वर्दी हो, इनको धर्म में कुछ आस्था भी नहीं है। महाराज जी इनको कुछ नियम दीजिए। अब मुनि महाराज सेठ जी को एक नियम देते हैं। महाराज जी मैं क्या नियम लूं। हाँ महाराज जी, मेरे को एक नियम याद आया। बोलो। मैं ना मेरे घर के सामने एक कुमार रहता है और कुमार के एक गधा है, तो मैं उसका रोज दर्शन करा करूंगा, रोज दर्शन कराऊंगा और उसके बाद ही मैं अन्न जल पानी खाना ग्रहण करूंगा। ये नियम तो मैं ले सकता हूँ महाराज जी। तपास्तु। अरे एक गधे का दर्शन करने से इतना धन मिला, साक्षात वीतराग चंदा प्रभु का दर्शन करने से मेरे को क्या मिलेगा, कितना व्यवहार संपत्ति सब कुछ मिलेगा, बहुत धन मिला। कार्यक्रम में आगे आदरणीय पंडित जी ने अपने मंगल उद्बोधन के माध्यम से सभा को कार्यक्रम के बारे में अवगत कराया। आगे सभी जो आज का सम्मान समारोह है, हमारे नगर के, हमारे समाज के सभी बुजुर्गों का हम सम्मान करना चाहते हैं, हमारे युवा पीढ़ी का जो आगे बढ़ रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, उनके प्रोत्साहन के लिए धौत समाज उनको सम्मानित करने जा रही है। मैं इस संपूर्ण कार्य के लिए श्रीमान संपत जी पाटनी, जो इतनी तन्मयता से पहले दिन से आज तक लगातार इसको व्यवस्थित करके समायोजन कर रहे हैं, उनको माइक दे रहा हूँ, वो इस कार्यक्रम को आगे संचालित करें और हमारे सभी बुजुर्गों का यथा योग्य उनका सम्मान कराएं। धन्यवाद। तत्पश्चात कार्यकारिणी के श्रेष्ठी महोदय द्वारा मंच से कार्यक्रम का संचालन करते हुए सभा को संबोधित करना शुरू किया गया। श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का अंतिम दिवस है, कल महायज्ञ और श्री जी मंदिर जी में विराजमान होने के साथ होली का कार्यक्रम होगा, उसके साथ इसका समापन कार्य कल होगा। आज हमने इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में ऐसा प्रयास किया है कि हमारे यहाँ धोध की प्रतिभाओं को, धोध के बुजुर्गों को और धोध के युवा वर्ग को सम्मानित करने का हमारे मन में विचार आया और इस विचार को हमने मूर्त रूप दे करके आज का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम की जगह सम्मान समारोह का आयोजन हमने किया। इसी के साथ सम्मान का क्रम शुरू हुआ और एक एक करके मंच पर श्रेष्ठ गणों को आमंत्रित कर भव्य सम्मान किया गया। इम्फाल के हैं
बराबर इनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहता है, तो हम लोग इनको प्यार से लच्छू काका जी बोलते हैं। तो मतलब आज उनको देख करके ऐसा इस मन अंदर से भर रहा है कि ना आज सारे लोगों के बीच, आप सभी लोगों के बीच, दोस्त के जितने भी लोगों के बीच उनको सम्मान का आदर सूचक ऐसा सम्मान मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है। उनके लिए दो शब्द, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। तालियां एक बार होनी चाहिए। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। काला मुंबई में बहुत ही सीए के रूप में हमारे पूरे समाज में चर्चित है और अपनी इंटेलिजेंसी और अपनी एक्सीलेंसी का वहाँ पे आधार स्तंभ स्थापित करने में, हमारी मातृभूमि की वहाँ पे नाम करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज ये प्रोग्राम देख के बहुत मजा आया। संपत भाई जी ने जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया ये सिद्ध चक्र विधान मंडल का, बहुत ही उत्साहजनक रहा। सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, सब लोगों से मिलना हुआ, हमको बहुत ही खुशी हो रही है। ऐसा प्रोग्राम बार बार होना चाहिए।
कार्यक्रम के समापन के क्रम में धोध कार्यकारिणी समिति का भी भव्य सम्मान किया गया। इसी के साथ इस दिन के कार्यक्रम ने यहाँ विराम लिया। कल आपसे मुलाकात होगी इस महायोजन के समापन दिवस की मंगल झलकियों के साथ, जो 25 मार्च 2024 को आयोजित किया गया। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।